कोरोना की तीसरी लहर के बीच देश ने शुक्रवार यानी 27 अगस्त को कोरोना वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड बनाया है। सरकार के मुताबिक भारत में 27 अगस्त को 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीके लगाए गए हैं। 26 जनवरी को वैक्सीनेशन ड्राइव के शुरुआत के बाद सबसे ज्यादा कोरोना का टीकाकरण हुआ है। इसके साथ ही देश में कुल वैक्सीनेशन 62 करोड़ के पार पहुँच गया है। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक सबसे ज्यादा 28,62,000 टीके के साथ लगातार यूपी पहले नंबर पर रहा। इसके बाद कर्नाटक में 10,79,000 टीके के साथ और महाराष्ट्र में 9,84,000 डोज लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। कोविन पोर्टल ऐप के मुताबिक 16 अगस्त को 92,00,000 डोज लगे थे। वहीं 25 अगस्त को 84,00,000 लोगों का टीका लगाया गया, जबकि 26 अगस्त को देश में 24 घंटे में 79,48,000 टीके लगाए गए थे। इसके साथ ही यह आंकड़ा 61,22,00,000 के पार पहुंच गया था। 26 जनवरी को शुरू हुए वैक्सीनेशन को अब 224 दिन हो चुके हैं। इस दौरान 62 करोड़ से ज्यादा डोज लगाए गए हैं, यानी भारत अमेरिका की कुल आबादी के 1.5 गुना लोगों को वैक्सीन लगा चुका है। एवरेज देखा जाए तो हर दिन करीब 27,67,000 लोगों का टीकाकरण हुआ है। इनमें से करीब 48 करोड़ को पहला और 14 करोड़ को दूसरा डोज लगे हैं। लेकिन बावजूद इसके एक्सपर्ट के मुताबिक कोरोना का खतरा टला नहीं है, क्योंकि वैक्सीन के दोनों डोज लगने के 2 हफ्ते बाद लोगों को सुरक्षित माना जाता है। लेकिन भारत में 2 डोज लेने वालों की संख्या फिलहाल मात्र 14 करोड़ ही है। फिलहाल देश में करीब 95 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन होना है। इस तरह से अभी तक कुल आबादी की 10% जनता ही फुल वैक्सीनेटेड हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और अन्य देशों में वैक्सीन के दोनों डोज लगने के बाद भी कोरोना संक्रमण की केस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। भारत में तीसरी लहर की आशंका के बीच चिंता की बात है कि देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 46,759 नए रिपोर्ट दर्ज किए गए और 509 लोगों की मौत हुई है। लगातार तीसरे दिन देश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कुल केस 3,26,49,947 में है। अब तक कुल 4,37,370 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। 22 अगस्त को सिर्फ 25,000 केस मिले थे। देश में सबसे ज्यादा केस केरल से आ रहे हैं। यहां बीते 3 दिन में 30,000 से ज्यादा संक्रमित मिले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 5 राज्यों में 79.42% नए कोरोना केस सामने आए हैं। इनमें अकेले केरल में 70.15% केस हैं। भारत में कोरोना मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 97.56% है। वैक्सीनेशन की खुशी के बीच कोरोना की तीसरी लहर से भी सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए कोरोना से बचने के लिए मास्क बेहद जरूरी है, तो मास्क जरूर लगाएं और साथ में 2 गज की दूरी का ख्याल जरूर रखें। न्यूज़ तक ब्यूरो।